हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं एक नई पनीर की रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, आई होप आप सबको पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी देखने में बहुत ही यमी लग रही है एंड टेस्टी। मेरे घर में सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी और ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अनियन मैंने एक बड़ा साइज़ लिया है, टमाटो हमने 4 लिए हैं, हरी मिर्च 3, अदरक 1, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कट कर लिया है, लहसुन 8 से 9। और अब हम दिखाते हैं कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हम यूज़ करेंगे सूखी मतलब साबुत मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा, इसमें 2 तेज पत्ता हमने लिया है, और कुछ काली मिर्च एंड दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची 2-2 पीस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालना है हमें, रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच एंड घी डालेंगे 3 से 4 चम्मच। तो ये मैं घी डाल रही थी, बट एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में घी तो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कैमरा रख के फिर घी मैंने 3-4 चम्मच कढ़ाई में डाला है। उसके बाद हम ये देखिए मैं घी डाल रही हूँ। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले अनियन, प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से हमें भूनना है, तो प्याज हमने डाल दिया है। हमारे घर में पनीर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सब लोग बड़े ही चाव से पनीर को की सब्ज़ी को पसंद करते हैं। ज़्यादातर हम लोग पहले रेस्टोरेंट में ही ये सब्ज़ी मंगवा लेते थे, या फिर कभी जाना हुआ तो रेस्टोरेंट में पनीर की सब्ज़ी खाते थे। घर में फर्स्ट टाइम बनाया है, तो आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो प्याज हल्का सा हो गया है रेड, हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसमें हमने डालना है टमाटर, टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। अब टमाटर डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको चलाते रहेंगे, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। लहसुन, अदरक, ग्रीन चिलीज़, सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च एंड दालचीनी, जितने भी खड़े मसाले थे सब कुछ इसमें डाल देंगे और इसे हल्का चलाते रहेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब इसे हमने मिक्सी में पीसना है जैसे कि हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो ये लगभग हमारा इसे चलाते हुए रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे चलाते रहना है और देखेंगे कि कहीं जल ना जाए। इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे और तब तक के लिए हम कोई और काम कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पनीर को भी कट करना है, हमने 2 पनीर लिए हैं बड़े साइज़ के। तो पनीर हमने मार्केट से नहीं मंगवाया है, जहाँ से दूध आता है वहीं से पनीर हमने मंगा लिया है। आई थिंक वो हाफ के जी का पनीर होगा 2 पीस। तो ये लगभग मसाले हमारे हो चुके। इसमें हमने डाला हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच एंड इसके बाद हमने डालना है नमक, इसके बाद हमने नमक डाला है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना है, नमक मैं नहीं बताऊंगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। उसके बाद हमने क्या डालना है, इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से इसमें नमक और हल्दी मिक्स हो जाए। अब इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च, ये जब भी मैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट घर पे बनाती हूँ तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी में जो कलर आता है ना, इसी की वजह से आता है।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, अब इसको फिर से चलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हमें और क्या डालना है, हाँ तो ये लगभग हो चुका है। मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, बट कोई नहीं, वो हम बाद में डाल देंगे। तो अभी ये लगभग हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में हमें डालने 3 से 4 चम्मच घी, और उसके बाद हमें डालेंगे पनीर। सारा पनीर डाल देंगे, 1 kg जो पनीर हमारे पास था, हाफ़ kg का दो, तो 1 kg हमारे पास पनीर था। सारा पनीर हमने कट कर लिया, देखिए छोटे छोटे पीसेस में। एक्चुअली ये मेरे भाई ने काटा है, माय लिटिल ब्रदर, सो इसलिए ये इतना ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करती हूँ, बट दैट्स ओके, खाना ही है। तो ये सारे पनीर हमने डाल दिए है, और इसे हम हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। और ये पनीर टूटना नहीं चाहिए, मतलब इजीली हम इसे चलाते रहेंगे स्लोली। इसमें हमने हल्का सा नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नमक हमने पहले मसाले में डाल दिया है, तो इसमें हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हमने डालना है वही लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि नमक और रेड चिल्ली पाउडर मिक्स हो जाए अच्छे से। तो हल्का सा चलाएंगे इसे, ज़्यादा चलाने से ये टूट जाएगी, इसीलिए धीरे धीरे 2-3 बार, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और इसमें मैंने कुछ गरम मसाले डाले हैं, ये गरम मसाले हमने घर पे बनाया है। तो ये हमारा मिक्सी में हमने पीस लिया है जो मसाले हमने पहले भुने थे। अब ये मसाले को हमने पनीर, देखिए हल्का रेड हो गया है, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। इसमें हमने सारे मसाले डालने हैं, और मसाले डालने के बाद इसमें हम जस्ट पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले भी भुने हुए हैं, तो ज़्यादा हमें इसे चलाना नहीं है। इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हल्का सा होने देंगे। ये रहा पानी, मसाले वाले डिब्बे में ही मैंने पानी ले लिया था। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, आपको कितना ग्रेवी चाहिए नहीं चाहिए। तो मेरे घर में ग्रेवी सभी को ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी डाला है। आई थिंक 2 कटोरी पानी मैंने डाला है। तो इसे अब हम होने देंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे उतार देंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा और होगा, अभी तक इसमें उबाल नहीं आया। अब ये उबाल आ चुकी है, तो हमारा पनीर जस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे उतार देंगे और आँच को बंद कर देंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। देखिए पनीर की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुंह में पानी आ गया देखकर ही। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करेंगे, और आप भी अपने घर पर बनाइए, खाइए, और सभी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए, इंजॉय कीजिए।